मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन विभाग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नवागत एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगी पहली प्राथमिकता। कांग्रेसियों ने कठुआ और उन्नाव में हुए कांड के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। डीएम की अध्यक्षता में होगी जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस, सदर तहसील में होगा मामलों का निस्तारण। शहर में लगातार चलाया जा रहा है सघन गाड़ियों की चेकिंग का अभियान, एसपी ट्रैफिक ने किया 25 गाड़ियों का चालान। रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, कहा आगे मांगे नहीं मांगी तो लखनऊ में होगा आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन। गोरखपुर में 6 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई मदरसा बोर्ड की परीक्षा। ई लॉटरी से हुआ शराब की दुकानों का आवंटन, 17 में से 4 दुकानों का ही हो सका आवंटन। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने की सीएमओ से मुलाकात, सीएमओ ने कहा शासन तक पहुंचा दी गई है उनकी मांगे, आदेश का है इंतजार। गोरखपुर की यातायात पुलिस कर रही है स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक, साथ ही नियमों की भी दे रही है जानकारी। ग्राम स्वराज अभियान के तहत गोरखपुर में चयनित 86 गांव में से 7 गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम संचालन हेतु भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी पीएन शुक्ला होंगे नोडल ऑफिसर। रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम की दीवार को तोड़कर बना अवैध रास्ता, धड़ल्ले से आ जा रहे हैं अनाधिकृत लोग। और आग की घटनाओं से निपटने को तैयार है फायर ब्रिगेड महकमा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।